सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया की एक वीडियो वायरल हो रही है जहां एक जंगली भेड़ पाई गई है। दरअसल बराक नामक यह भेड़ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इधर उधर भटक रही थी और जब लोगों ने उसे देखा तो वह बिल्कुल ऊन के गोले जैसी नजर आई। और हैरानी वाली बात तो ये है कि जब इस भेड़ को पकड़कर इसके रोए काटे गए तो करीब 35 किलोग्राम इस भेड़ से ऊन निकला। करीब 5 साल से यह भेड़ यूं ही भटक रही थी जिससे उसके शरीर पर इतने सारे रोए जमा हो गए, जिसे देख लोग काफ़ी हैरान हैं और यकीनन आप भी इसे देखकर हैरान रह गए होंगे। जब इस बारे में एनिमल रेस्क्यू टीम से बातचीत की गई तब उन्होंने बताया कि यह भेड़ विक्टोरिया राज्य के जंगलों में काफ़ी समय से भटक रही थी। उसके रोए इतने ज़्यादा हो गए थे कि हम उसे देखकर काफ़ी हैरान हुए और कीचड़ की वजह से वे काफ़ी कड़े भी थे। भेड़ को काफ़ी परेशानी हो रही थी जिसके बाद इस भेड़ को बचाव सेंचुरी ले जाया गया। हम आपको बता दें कि करीब 5 साल से लगातार भेड़ का ऊन बढ़ रहा था जिसके कारण उसके शरीर में काफ़ी ऊन जमा हो गया। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर इतना ज़्यादा ऊन जमा हो गया था कि जिसकी वजह से वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। अगर इसका ऊन नहीं निकाला जाता तो इसकी मौत भी हो सकती थी। ऐसे में इसका ऊन काटना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया में एक और भेड़ मिली थी जिसके अंदर से करीब 41 किलो ऊन निकला था। इसकी वीडियो अब तक कई लोग देख चुके हैं और अजीबोगरीब रिएक्ट कर रहे हैं, साथ ही अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस वीडियो पर तमाम लोगों ने कमेंट्स किए, साथ ही इस वीडियो को अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया। इस भेड़ के शरीर से ऊन को निकाले जाने से भेड़ को एक नया जीवन मिल गया है और वो काफ़ी खुश भी नजर आई। बताया जा रहा है कि उसके ऊन से बड़ी संख्या में लकड़ी और कीड़े भी मिले हैं। हालांकि अब ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसके शरीर से अब ऊन निकाला जा चुका है जिसके कारण इसकी जान बची। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे आम आदमी पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।